La 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 la. La la la. La 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 la. यूं कह रहा है ला 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 ला। हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं करण प्रयाग में और अभी हम ऊपर ही अल्मोड़ा के रास्ते से आए हैं। जो रास्ता ऊपर जा रही है, गाड़ियाँ जा रही हैं ऊपर अल्मोड़ा नैनीताल के रास्ते से। हम यहाँ पर पहुँचे हैं करण प्रयाग और ये लेफ्ट में रास्ता जा रहा है बद्रीनाथ के लिए, जिसमें हमें जोशीमठ तक जाना है। उसके बाद ओली के लिए निकलने आ गए हम। ये यू टर्न है जो पूरा वहाँ से पौड़ी गढ़वाल से होता हुआ इधर निकल रहा है नीचे बद्रीनाथ के लिए। और जो ये राइट में रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है ऋषिकेश केदारनाथ आगे से राइट है नीचे टर्न चौपटा होते हुए और रुद्रप्रयाग जाता रास्ता ये दिल्ली की तरफ। और इधर से आगे अल्मोड़ा भी रास्ता निकलता है, अल्मोड़ा नैनीताल भी निकलता रास्ता। तो रास्ता काफ़ी लंबा था और मतलब काफ़ी घुमावदार। ये ऊपर वाले रास्ते से आए थे, ये वन वे है रास्ता ऊपर वाला, नीचे से जाने का रास्ता है, ऊपर से आने का रास्ता है कर्णप्रयाग के लिए। तो आइए अब चलते हैं हम आगे अपने डेस्टिनेशन पे और हमारी गाड़ी वो आगे खड़ी है लेफ्ट में। शाम का टाइम हो गया है। अब दिमठ जोशीमठ यहाँ से लगभग 80 और 90 के बीच में होगा, 80-90 किलोमीटर, 2-3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है यहाँ से। अभी हम आगे कहीं चाय वाय पियेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से नदी का फ्लो देखिए, ये अलकनंदा नदी है और कर्णप्रयाग ये आगे है जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर का संगम है, वो अभी आगे है फ्लावर के नीचे। देखिए आपने नदी का फ्लो कितना अच्छा फ्लो भर रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ पे। और थोड़ा जाम हो जाएगा यहाँ पे, हमें गाड़ी में निकालनी पड़ेगी क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे से किसी को प्रॉब्लम हो। हम सीधा आगे निकलेंगे। गाड़ी जा रही है आगे, ट्रक आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, ये है कर्णप्रयाग। यहाँ पर देखिए दो रिवर नीचे उधर लेफ्ट साइड में जिनका संगम हो रहा है, वो वहाँ से आ रही है मंदाकिनी। इधर नीचे पुल के नीचे जो है वो है अलकनंदा। अब अलकनंदा को फॉलो करेंगे हम बद्रीनाथ की तरफ। आगे रास्ता थोड़ा कंजेस्टेड आएगा, फिर खुला आएगा। रास्ते में गौ माता है हमारे बीच में, बंद कर दे भाई साहब। थोड़ी देर बोर्ड दिखा रहे हैं, चाय वाय पीते हैं यहाँ से थोड़ा सा। दोस्तों हम लोग यहाँ पे टी ब्रेक लिए रुके हैं, शाम का समय है, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है और यहाँ से जो व्यू है नदी का, जो व्यू है अलकनंदा रिवर का, जो व्यू है और ये संगम पॉइंट है पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का, जो कि एक कर्णप्रयाग है। और यहाँ पर हम एक ढाबे पे, तो खैर ढाबा तो नहीं है, खैर एक रेस्टोरेंट ही है, ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है, इसमें रूम्स वगैरह भी हैं।
और हम लोग सोच रहे हैं कि वापसी में आएंगे तो वहीं इसी होटल में रुकेंगे। अगर वापसी में यही रास्ता हमारा रहा तो यहीं रुकेंगे और जरूर रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पे खाना भी अच्छा है और यहाँ पे चाय तो बहुत ही अच्छी है। वापसी यहाँ देखेंगे, और देखिए यहाँ नज़ारा देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, सामने का व्यू। ओहो, शाम का मौसम है, थोड़ा अंधेरा हो गया है, लेकिन देखते हैं आगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग यहाँ जोशीमठ में नरसिंह मंदिर के यहाँ पहुँच गए हैं, और यहाँ से हम अपने होटल से सुबह नहा धो के तैयार होके निकल के मंदिर आ गए हैं। और देखिए मंदिर का रास्ता आपको दिखाते हैं ये, और इसको विंटर बद्रीनाथ भी कहते हैं, विंटर में बद्रीनाथ के दर्शन यहीं पर ही होते हैं। और देखिए आगे अब ये रास्ता है, ये रोड बद्रीनाथ की तरफ जा रहा है जो मेन टेंपल है बद्रीनाथ का। हमने गाड़ी आगे लगा दी है, और ये रोड वैसे जोशीमठ ही है आगे, मतलब ऋषिकेश की तरफ जाते हुए सामने पहाड़ की चोटियां हैं ऊपर। चलते हैं नीचे मंदिर में दर्शन करेंगे। खूबसूरती देखिए आप, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए मंदिर, बहुत ही खूबसूरत परिसर है इसका। अभी कोई लोग नहीं यहाँ पे, तो ठंड है काफ़ी, माइनस में टेम्परेचर है। हेलो फ्रेंड्स, हम आप सबका जजरे साहब ब्लॉग में स्वागत है। आज हम आपको नरसिंह मंदिर की सैर कराएंगे, ये दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे यहाँ पे कैसा नरसिंह मंदिर है। बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है, और इसमें जो विंटर बद्रीनाथ के दर्शन यहाँ किए जाते हैं, विंटर में बद्रीनाथ मंदिर जो मूर्ति है वो यहाँ पर उनकी गद्दी लाई जाती है, और यहाँ पर विंटर में पूजा जाता है बद्री विशाल को। और यहाँ से देखिए इसका मतलब मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया। और देखिए सामने पीछे पहाड़ का जो व्यू है, और इसका जो मंदिर की जो बनावट है इतनी अच्छी है जैसे केदारनाथ मंदिर है बिल्कुल वैसा ही इन्होंने बनाया, और टुंगनाथ मंदिर भी सेम ऐसा ही बना हुआ है, और काफ़ी अच्छा दृश्य है। और इस तब जो मौसम है सर्दी, इतना माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। हम लोगों ने सुबह होटल से जल्दी से नहा धो के तैयार होके आए, और यहाँ पे आके हम जल्दी से दर्शन किए, और हमने यहाँ पे जल आरती भी वगैरह देखी हमने।
हेलो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं तपोवन में। तपोवन जो है जोशीमठ से 15 किलोमीटर है, तो यहाँ से ये रास्ता जो जा रहा है ये जोशीमठ जा रहा है, और इधर जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है नीति वैली और भविष्य बद्री मंदिर की तरफ। हमारा आज का जो टारगेट है भविष्य बद्री का ही है, क्योंकि नीति वैली के लिए उसके लिए कुछ लंबा टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि नीति वैली यहाँ से 70 से 80 किलोमीटर है और वो काफ़ी रिमोट एरिया है, वहाँ पर कोई भी फैसिलिटी वगैरह नहीं है। तो वहाँ के लिए कभी स्पेशली हमें अपना सब कुछ पैकअप करके, मतलब पैकिंग वगैरह करके लाना होगा, जैसे टेंट वगैरह खाने बनाने की चीज़ें, आएंगे कभी वहाँ पर भी। ठंड काफ़ी हो रही है, हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे और आगे चलेंगे, क्योंकि अब सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है। मंदिर गए थे, मंदिर में दर्शन किए, चाय पी थी एक बार, ये ढाबे पे हम रुके हैं यहाँ पे, इसका नाम है थकलियाल स्वीट एंड रेस्टोरेंट। लड्डू सब मिले यहाँ पे। अभी हमने पराठे और चाय का ऑर्डर किया है यहाँ पे, हमारे भाई साहब बैठे हैं, गरम गरम पराठे, आलू की सब्जी, दही, अचार, वाह भाई वाह, क्या नाश्ता है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तू बद्री भविष्य बद्री मार्ग देखिए दोस्तों, ये रास्ता एकदम खड़ी चढ़ाई है, यहाँ से लगभग 300 मीटर बता रहे हैं, लेकिन देखते हैं आगे कितना रास्ता होगा।
हाय, हम लोग पहुंच गए बद्री, भविष्य बद्री मंदिर पे, जिसे भविष्य का बद्रीनाथ मंदिर बोला गया है। और देखिए यहाँ पे थोड़ी चढ़ाई है, अब देखते कितना रास्ता है। यहाँ पे थोड़ी बर्फ भी गिरी हुई है, चलना थोड़ा रिस्की भी है हमारे यहाँ पे, लेकिन हम चल रहे आगे धीरे धीरे लेके प्रभु का नाम। जय बद्री विशाल। अब हम चलेंगे यहाँ से स्पीड से। ये हमारे बाबू जी खड़े यहाँ पे, राज जी। हेलो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी तो हम दर्शन करेंगे, चलते हैं रास्ता दिखाते हैं कैसे आपको। प्रसाद ले लिया यार हमने, ये भाई साहब प्रसाद भी चले यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पर ये बर्फ है, देख सकते हैं कितनी है, ज़्यादा ऊपर तक नहीं है, नीचे नीचे ये सर्विस एरिया में। और ये जो बर्फ होती है काफ़ी रिस्की होती है इस टाइम पे, क्योंकि पुरानी बर्फ है, ताज़ा बर्फ नहीं है, क्योंकि जम जाती है तो काफ़ी स्लिपरी होती है। तो इस पर ज़रा बहुत ध्यान चलना होता है। एक बार ट्रैकिंग की थी हमने ऐसी तरफ पे, तो हालत ख़राब हो गई थी। क्यों भाई, एक बार ट्रैकिंग की थी हमने केदारगंज में, क्या हाल हो गया था? दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं भविष्य बद्री विशाल मंदिर के यहाँ। यहाँ से थोड़ी सीढ़ियाँ हैं, अब चढ़ेंगे यहाँ से धीरे धीरे। हम लोग चलते आ रहे हैं, लगभग 200 से 250 मीटर का रास्ता था चढ़ाई का। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। देखिए श्री भविष्य बद्री विशाल पंच बद्री और स्वागत यहाँ लिखा हुआ है। जय बद्री विशाल, जय माता दी। आइए धीरे धीरे आइए यहाँ पर, देखिए यहाँ का सारा ये जो मंदिर है काफ़ी पुराना मंदिर है। यहाँ पे शूज़ वगैरह खोलेंगे और मंदिर दर्शन करेंगे। आइए धीरे धीरे मंदिर दर्शन करते, आपको दिखाते भी आगे मंदिर में। जय बद्री विशाल। फ्रेंड्स, ये भविष्य बद्री विशाल का मंदिर है जिसके अभी हमने दर्शन किए। अंदर इसमें मुख बना हुआ है पहाड़ पर से निकलता हुआ,
ऐसा बोला गया है कि धीरे धीरे मूर्ति जब पूरी बाहर आ जाएगी तो उसके बाद जो बद्रीनाथ का जो वो है मंदिर वो बंद हो जाएगा। कहते हैं मतलब कि वो दो बीच में जो पहाड़ वहाँ जाने का रास्ता ही बंद हो जाएगा पूरा, वो भविष्य की बात है। देखिए मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर, बहुत ही शांति यहाँ पे, यहाँ बैठ के आराम से कुछ कह सकता है, मतलब ऊपर क्या हमें कुछ जो ऊपर ट्रैकिंग का रास्ता है, यहाँ से उधर से भी कुछ ट्रैकिंग का रास्ता है, लोग जा रहे हैं यहाँ से। भंडार कक्ष केशवा नामा नारायण नामा माधव नामा जय बद्री विशाल। दोस्तों अभी हमने बद्री विशाल के दर्शन किए, यहाँ से मंदिर से बाहर निकल रहे हैं हम। ये मंदिर था यहाँ पे, बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत शांति। मान्यता है या सच्चाई है, हकीकत है कि बद्री विशाल भविष्य में, इसलिए इसे भविष्य बद्री विशाल कहा गया है। हाँ जी, वो जो नर और नारायण पर्वत मिल जाएंगे या बद्री विशाल जो वहां पर है उनकी जो प्रतिमा है उसके बारे में कहा गया है कि उनका एक हाथ जो है वो बहुत पतला सा होता जा रहा है और जिस दिन वो हाथ नहीं रहा उस दिन यहाँ जो एक मतलब पत्थर कहेंगे पहाड़ कहेंगे उसमें से एक मूर्ति निकल रही है। पहले जिन लोगों ने देखा है वो बताते हैं यहाँ पर उसमें पत्थर प्लेन था, अब उसमें भगवान का चेहरा दिखने लगा है और जिस दिन वहां से ऐसा होगा बद्री विशाल जी का हाथ के साथ तब यहाँ पर मूर्ति पूर्ण रूप से उभर आएगी और भविष्य में बद्री विशाल यहाँ आए होंगे।